क्या आपको भी मेकअप करना नहीं आता है? आपको नहीं पता है कि कॉन्टूरिंग क्या होता है, कॉन्टूरिंग कैसे किया जाता है? आज की मेरी जो वीडियो है ना, इसमें इतने अच्छे अच्छे हैक्स हैं ना गाइज, आप इसे ट्राई करके देखो, आपको इजीली मेकअप करना आ जाएगा। लाइक कॉन्टूरिंग आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक मिनट में आप कॉन्टूरिंग कर सकते हो। और ऐसे ढेरों वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, सो आप मेरे चैनल पर विजिट करो और ऐसे बहुत सारे हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड DIY आप देख सकते हो। नेचुरली अपने फेस और हेयर की केयर कर सकते हो। और इफ़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल इन ग्लो अप डेली। तो आज मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल वायरल हैक्स जिससे इजीली एक मिनट में आप मेकअप करना सीख सकते हैं और कॉन्टूरिंग भी सीख सकते हैं। तो मेरी जो ये पहली ट्रिक है ना, ये है कॉन्टूरिंग की। इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आप बिगनर है ना, तो आपको एक ब्रश लेना है और ब्रश से यहाँ से यहाँ आपका जो ये एरिया है ना, इतने दूर आपको लगाना है कॉन्टूरिंग पाउडर। और स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कि आप पाउडर फॉर्म वाला ही कॉन्टूर लीजिए, क्योंकि जो स्टिक वाला होता है ना, वो मार्क तो काफी अच्छे से कर देता है। लाइक आप ऐसे ड्रॉ करते हो, वो ड्रॉ हो जाता है, पर वो बहुत ज्यादा दिखता है, डार्क दिखता है। इसलिए आप पाउडर फॉर्म में यूज करो और बिल्कुल लाइट सा यूज करो। देन आपको यहाँ से यहाँ करके अच्छे से ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेना है। फिर जो सबसे टफ होता है वो होता है नोज कॉन्टूरिंग। बहुत सारे लोगों को नोज कॉन्टूरिंग नहीं आता है, बट आज की वीडियो को देखने के बाद आपको नोज कॉन्टूरिंग करना भी आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक फोक लेना है और फोक की सहायता से यहाँ बीचों बीच आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपको बीच में यहाँ कंसीलर लगा लेना है और कंसीलर लगाने के बाद आप यहाँ पे हाइलाइटर से हाइलाइट कर सकते हैं अपने नोज को। और मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ये काफी इजी है गाइस। अच्छा, बहुत सारे लोगों को थ्रेडिंग पेंसिल लगाना नहीं आता है, आईब्रो पेंसिल यूज करना नहीं आता है, और समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास थ्रेडिंग पेंसिल नहीं होता है। तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं कि आपका आईब्रो पेंसिल भी लग जाए और खरीदना भी ना पड़े। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है आपके मस्कारा का डब्बा, और जो आपका मस्कारा आप यूज करते हो उसको बहुत लाइट से लेना है और स्मूथली उसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। बट आपको करना ये है कि जब भी आईब्रो पेंसिल लगाओ या फिर इस ट्रिक के थ्रू लगाओ, आपको इस जगह पे यहाँ से यहाँ लाइट रखना है, डार्क नहीं करना है। आपको ये जो पॉइंट है यहाँ डार्क करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे हेयर्स थोड़े से लाइट होते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा डार्क कर दोगे तो आपकी स्किन पे ये अलग सा लगेगा, सटल नहीं होगा। जो मैंने तीसरा हैक बताया है वो है ब्लश का। तो आजकल ब्लश तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा, बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे पास ब्लश नहीं होता है, खत्म हो जाता है, और आजकल तो लाइक ट्रेंड में है ये रोजी रोजी पिंकिश गाल, किसको नहीं पसंद है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास रेड कलर की या पिंक कलर की जो लिपस्टिक होगी ना घर पे, ऑलमोस्ट सब लोगों के पास ये होती है, आप कोशिश करना कि पिंक कलर की हो, और पिंक नहीं हो तो रेड भी चल जाएगा। उसे आपको यहाँ पे नॉर्मल लाइट सा लगाना, बहुत ज्यादा डार्क आपको नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ सेम आपको देख के इस तरीके से लगाना है, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना कि जो चिक्स है ना वो बिल्कुल पिंकिश, बहुत गुलाबी से प्यारे से लगेंगे। और ब्लश जिनको लगाना नहीं आता है ना, उनके लिए ये काफी इजी हैक है। और आप तो कितनी सारी चीजें बाय कर रहे हैं, लाइक चिक टिंट खरीद रहे हैं और ब्लशर खरीद रहे हैं, बट मैंने आपको जो बताया ना, उससे आपको सिर्फ एक लिपस्टिक लेना, और एक लिपस्टिक से ही आप लिपस्टिक भी लगा सकते हो और ब्लशर भी लगा सकते हो। और मेरे चैनल पे ऐसे ढेरों वीडियोज हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल ग्लो अप डेली पे विजिट कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।